दिवाली पर मावे और मिठाई की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में इनमें मिलावट की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मावा कारोबारियों के यहां दबिश दी और मावे के सैंपल लिए। छतरपुर में आगामी त्योहार के पहले प्रशासन और फूड विभाग की टीम एक्टिव मोड में आ गई है। नौगांव में फूड और प्रशासन की टीम ने मावा व्यापारियों पर छापेमारी की। यहाँ पर टीम ने कई दुकानों से मावे की सैंपलिंग की और नमूने जाँच के लिए भेजे। मावे के साथ बर्क लगी या फिर अधिक रंग के साथ बाजार में आने वाली मिठाइयों पर भी विभाग की नजर है। इसके साथ ही खराब मिठाइयों की बिक्री को रोकने के लिए लगातार अभियान चल रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर सर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह की सैंपलिंग की जाए, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से कंप्लायंस जो है ऑथेंटिकली उसको देखा जा सके। तो फूड डिपार्टमेंट के साथ आज हमने स्पेशली जो मावा खोए की दुकानें हैं उसके हम सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। सूचना भी आ रही थी कि यहाँ काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखते हैं, जबकि ताज़ा ही बेचा जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया खामियां तो दिख रही हैं, लेकिन सैंपलिंग के बाद ही कुछ दृढ़ता से कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।